अरे भाई गए धुले हुए तो है। हाँ भाई। ओ मेरी जान सोने की चैन। भाई गेहूं कितनी देर में पीस के दे दोगे? गेहूं तो भाई सब तुम्हें एक आध घंटे में दे दूंगा पीस के मैं। एक आध घंटे में? यार भाई मुझे तो अभी चाहिए थे। अभी चाहिए? चलो यार कोई बात नहीं, आपके लिए मैं जल्दी कर दूंगा। आप एक काम करना, आधे घंटे में आ जाना। आधे घंटे बाद? अरे यार भाई समझ क्यों नहीं रहे, मुझे अभी चाहिए, हमारे घर पर आटा नहीं है। भाई साहब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप भी मेरी बात समझो। ये देख सकते हो आप इतने सारे कट्टे हैं गेहूं के, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, आधे घंटे की बात है बस। अरे यार भाई कैसी बात कर रहे हो, आपको बताया ना मेरे घर पर आटा नहीं है भाई, इसलिए अभी चाहिए मुझे। अभी चाहिए? अबे यार क्या करूं, अबे यार इसको अभी आटा चाहिए यार, और इसमें सोने की चैन है यार, ये मौका बार बार नहीं मिलता यार, क्या करूं। अरे यार भाई क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं भाई, एक मिनट को फोन आ रहा है। हाँ पापा। अच्छा गेहूं वापस लेकर आने? ठीक है लेकर आ रहा हूँ। ठीक है भाई अब मत पीसो, मेरे पापा ने मना कर दिया, मुझे गेहूं वापस दे दिलाओ। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, आप एक काम करो मैं पहले आपके पीस के दे रहा हूँ, आधे घंटे मत रुको आप, अभी दे रहा हूँ। अरे नहीं नहीं भाई अब पिसवाने नहीं है गेहूं, असल में पापा का फोन आया था, उन्हें किसी को गेहूं बेचने जाने, आटा तो वो लेकर आ गए हैं। आटा लेके आ गए तो ये गेहूं पिसवाने नहीं आपको? नहीं भाई अब ये गेहूं बिकेंगे, पापा किसी को बेच के आएंगे। लाओ मेरा गेहूं का कट्टा दे दो। अरे सुनो सुनो भाई सुनो, क्या हुआ? आप ये गेहूं बेचने जा रहे हो किसी और को, किसी और की बेचने जा, मुझे ही बेच दो। अरे भाई साहब ऐसे कैसे दे सकता हूँ यार, पापा बेच के आएंगे, मैं थोड़ी बेच सकता हूँ। अच्छा तो आप एक काम करो ना, अपने पापा से फोन करके पूछ लो वो गेहूं कितने के बेच रहे, मैं उतने पैसे आपको दे दूंगा, बल्कि उससे ज्यादा दे दूंगा आपको। अच्छा चलो ऐसी बात है तो रुको मैं फोन करके पूछ लेता हूँ पापा से। हाँ हाँ पूछ पूछ, जल्दी पूछ, फिर ये सोने की चैन मेरी हो जाएगी, और बेवकूफ तुझे तो पता भी नहीं है इसके अंदर सोने की चैन है। हेलो पापा, ये जो चक्की वाले है ना ये गेहूं खरीदने की बात कर रहे हैं, आप बता दो कितने में बेचूं? 10,000 रुपए में। ठीक है भैया 10,000 रुपए में बेचने की कह रहे हैं पापा। 10,000 रुपए के? अरे इतने महंगे गेहूं कौन बेचता है भाई, सोना थोड़ी है ये। अरे तो भाई मर्जी आपकी, मैं कब कह रहा हूँ यार, आप लाओ मुझे मेरा कट्टा दे दो गेहूं का। अरे यार रुको तो सही, तुम तो बहुत जल्दी कर रहे हो यार, एक बार और फोन करके पूछ लो पापा से अपने। अच्छा चलो ठीक है पूछता हूँ यार। हाँ पापा। अरे पापा ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत कम कर लो। 15,000? ठीक है भैया, जिन्हें वो गेहूं बेच रहे थे ना अब वो 15,000 में ले रहे हैं, तो पापा कह रहे हैं अगर तुम्हें 15,000 में लेने हैं तो बताओ वरना रहन दो। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो यार, इतने महंगे गेहूं कहाँ बिकते हैं, और अभी तो तुम 10,000 रुपए बोल रहे थे, अब 15,000 बता रहे हो तुम। अरे तो भाई अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, पापा जिन्हें बेच रहे हैं वो ले रहे हैं, आपकी मर्जी हो तो ले लो वरना रहने दो, लाओ दो। अरे सुनो सुनो एक बार पापा से और पूछ लो, जो पहले दे रहे थे ना 10,000 में वो ले लूंगा मैं। अरे भाई वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन आप इन्हें खरीदने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो, आपके पास तो इतने सारे गेहूं हैं। अरे भाई साहब असल में क्या है ना, मुझे ना बहुत सारा आटा किसी को देना, तो इसलिए मुझे गेहूं की जरूरत थी, इसलिए आपसे मैं ले रहा हूँ ये। अच्छा चलो ठीक है। हेलो पापा। हाँ ये 10,000 की कह रहे हैं, नहीं 15,000 में ही। ठीक है भाई पापा मना कर रहे हैं, लाओ मुझे मेरा कट्टा दे दो गेहूं का। अरे सुनो सुनो भाई साहब तुम एक काम करो, लो तुम अपने 15,000 रुपए लो, वो तो मुझे आटे की जरूरत है इसलिए ले रहा हूँ मैं, वरना लेता नहीं मैं। अच्छा हाँ ठीक है चलो भाई मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। गया बेवकूफ लड़का, उसे ये नहीं पता उसकी गेहूं के अंदर सोने की चैन है, 10,000 रुपए के चक्कर में लाखों का नुकसान करके चला गया। अब जल्दी से सुनार की दुकान पे जाता हूँ और इसके दाम पता करके आता हूँ। भाई साहब मुझे अपनी सोने की चैन बेचनी है, बता दोगे कितने की लोगे? अब तो यार मैं लखपति बन जाऊंगा। अबे भाई क्या दे रहा है, पकड़ इसे। क्या हो गया? अबे नकली चैन है, 1 रुपए की भी नहीं है ये। क्या ये नकली चैन है? हाँ। अरे यार मेरे से 15,000 रुपए का नुकसान हो गया भाई साहब, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। चल बे चल ये सब ड्रामा बाहर जाके करियो। जा रहा हूँ भाई साहब, जा रहा हूँ।